नमस्कार, आप सभी का नॉलेज पॉइंट में बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब सही सही दे पाते हैं। सवाल नंबर एक, प्रतिष्ठित अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रणधीर वर्मा, सी कृष्ण नारायण सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। और इसका सही जवाब है बी रणधीर वर्मा। सवाल नंबर दो, पंत वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए कैमूर, बी भागलपुर, सी नालंदा, डी जमुई। और इसका सही जवाब है सी नालंदा। सवाल नंबर तीन, देवदारी जलप्रपात बिहार के किस नदी पर है? ए कर्मनाशा, बी गंडक, सी घाघरा, डी कोसी। और इसका सही जवाब है ए कर्मनाशा। सवाल नंबर चार, निम्नलिखित में से किसने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। और इसका सही जवाब है सी बाबर। सवाल नंबर पाँच, तिनकठिया प्रणाली संबंधित है? ए खेरा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी मोपला विद्रोह। और इसका सही जवाब है बी चंपारण सत्याग्रह। सवाल नंबर छः, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? ए हुमायूं, बी आजम शाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। और इसका सही जवाब है डी औरंगजेब। सवाल नंबर सात, लंबाई की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन होती है? ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रम, डी फेर्मीमीटर। और इसका सही जवाब है डी फेर्मीमीटर। सवाल नंबर आठ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बैबेज, सी आइजैक न्यूटन, डी आर्कमिडीज। और इसका सही जवाब है सी आइजैक न्यूटन। सवाल नंबर नौ, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? ए 28 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी 3 नवंबर। और इसका सही जवाब बी 31 अक्टूबर है। सवाल नंबर दस, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस नायक का पद समाप्त कर दिया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। सवाल नंबर 11, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए महानंदा, बी गंडक, सी यमुना, डी कोसी। और इसका सही जवाब सी यमुना है। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम हैं। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।